हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी। मैं हूं मिस्टर जीरो और आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन आइडल 2019 यानी इंडियन आइडल 11 के बारे में। जी हां, इसमें है कुछ धमाकेदार न्यूज़। तो इस बार जो इसके फर्स्ट एपिसोड में जो भी दिखाया गया है यार, ट्रस्ट मी, दिल पे जा करके लग गया है। मैं बात कर रहा हूँ अजमत हुसैन। अगर आप इस नाम को नहीं जानते हैं तो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में जो है अजमत हुसैन अपना जलवा दिखा चुके थे। उस वक्त वो काफ़ी कम उम्र के थे, मुश्किल से 5 या 6 साल के रहे होंगे, और उस वक्त में जो है उन्होंने अपना हमारा दिल हज़ारों बार जीता अपने परफॉर्मेंस। और हमने ना जाने उनके जितने भी परफॉर्मेंस रिपीट पे देखा है, रिपीट पे। एंड ट्रस्ट मी, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ दैट गाय। जी हाँ, उस बंदे ने जो गाना गाया था ना उस वक्त में कि मैं हवा हूँ, वतन मेरा, मैं हवा वतन मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन मेरा। यकीन मानो यार, दिल पे जाके लग गया था वो गाना। और वो गाना मानो के हर बार सुनने का मन करता था, और उस शो में उस गाने को रिपीट में भी गवाया गया है। सारेगामापा के रियलिटी शो में जब चल रहा था ऑडिशन, और उस वक्त में आए थे अजमत हुसैन, तो उनका जो एक मासूम सा चेहरा और एक छोटे से कद के साथ में वो आए थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा जो बच्चा है वो जो गाने वाला है वो हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसके बाद ही उनको एपिसोड के दौरान फिर से एक बार उसी गाने को गाने के लिए कहा गया था, जिसको उन्होंने पूरे तरह से गाया था, और इट वाज रॉकिंग परफॉर्मेंस। जब भी वो गाना सुनता हूं तो ट्रस्ट मी यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ यार, कुछ तो गाया है मैंने, कुछ तो सुना है। और इस बच्चे के लिए जैसे यूँ बाएं हाथ का खेल है, वो जो गाता है ना बॉस, वो कुछ अलग ही था। लेकिन इंडियन आइडल में जैसे एंट्री हुई, नेहा कक्कड़ ने अचानक से बोलकर मुझे भी याद दिला दिया कि ये अजमत हुसैन है। हाँ, अजमत हुसैन अभी वो हो चुके हैं अभी फिलहाल 18 साल के, और इससे पहले जो है 8 साल पहले वो आकर के हमारा दिल जीते थे और एक विनर भी रह चुके। 8 साल तक वो गायब रहे इंडस्ट्री से, 8 साल में किसी को भी इनके बारे में नहीं पता था। और वो जब आए और उनका जो एक वीडियो बनाया गया था, प्रोमो वीडियो इंडियन आइडल के लिए, वो वीडियो देख करके मानो दिल से रो पड़ा। हो सकता है कि कोई पब्लिसिटी स्टंट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। जितना मैं सिंगिंग के बारे में जानता हूँ, जितने मैं लोगों की सिंगिंग को सुनता हूँ और उनसे इंस्पायर होता हूँ कि यार काश मैं भी गा पाऊँ, तो यार उस हिसाब से माना जाए तो वो बंदा जो है सीरियसली एक ट्रू स्टोरी बता रहा था, और वो स्टोरी कहीं ना कहीं रियलिटी भी है। देखो यार, इसमें जो भी स्टोरी बताई गई हो सकती है कि आपको लगे या फिर सबको लगे कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन यार मेरे दिल से मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि बंदे ने जो परफॉर्मेंस दिया इंडियन आइडल में आने के बाद में, यकीन मानो दिल तोड़ दिया उस बंदे ने। कि यार एक टाइम पे क्या आवाज़ थी, वो आवाज़ का जस्ट एक सरगम वो गा देता था, तो ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने बस इसको एक दे रखा है यार, एक गिफ्ट दे रखा है, और उस आवाज़ को यूँ निकाल सकता है मानो उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन आज जब वो गाने के लिए बैठा तो यकीन मानो उसको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़े, और वो एफर्ट किसी काम नहीं आया। आपकी आवाज़ को चोट सी पहुंची, मेरे लिए तो हाँ है। जैसे ही वहाँ पे जैसे ही विशाल भारद्वाज ने कहा कि मुझे ये गाना नहीं अच्छा लगा एज अ परफॉर्मेंस, अगर यहाँ पे एज अ कंटेस्टेंट देखा जाए तो तुम्हें मैं हाँ नहीं बोल सकता हूँ, दिल तो टूट गया था। लेकिन एक ही चीज़ कह रहा था दिल बार बार कि प्लीज़ यार इसको एक मौका दिया जाए प्लीज़, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिस्ट रह चुका है बचपन में, जिसके खून में एक आर्टिस्ट की क्वालिटी दौड़ रही थी ना बॉस, उसके साथ में तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद ही अनु मलिक और नेहा कक्कड़ ने हाँ कहा कि मुझे दोबारा मौका देना है, पर वो बंदा टूट गया था। सीरियसली वो बंदा टूट गया था कि हाँ, जब तुमने हज़ारों बार लाखों बार लोगों से वाहवाही सुनी हो और उसके बाद से कोई एक इंसान कह दे कि नहीं यार तुम्हारा गाना मुझे अच्छा नहीं लगा। जी हाँ, उनकी स्टोरी कुछ ऐसी ही थी। जैसे वो विनर बने, विनर बनने के बाद में काफ़ी सारे शोज़ किया उन्होंने, काफ़ी सारे जगह पे बुलाया जाता था उनको शोज़ ऑफ़र किए जाते थे, पैसा मिल रहा होता था, लेकिन अचानक ही कहते ना कि आवाज़ जो है एज के साथ साथ चेंज हो जाती है, और ख़ास करके अगर वो किसी बच्चे की आवाज़ हो
तो वो आवाज़ चेंज होना स्वाभाविक है। और वो आवाज़ जो चेंज हुआ वो काफ़ी भयानक रूप लेकर के आया इनकी ज़िंदगी में। अज़मत हुसैन ने काफ़ी ट्राई किया कि फिर से गाऊँ, लेकिन लोगों ने मिल करके उसको डीमोटिवेट कर दिया। और कहीं ना कहीं न्यूज़ ये भी निकल करके आई कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का रहा है, कि किसी ने उनके उस गाने को उठा करके सोशल मीडिया में डाल दिया जिस गाने में उनकी परफॉर्मेंस एकदम अच्छी नहीं थी, और उसके बाद से उनकी पूरी करियर डाउन चली गई, पूरी तरह से डाउन हो गई करियर। और उसके बाद से उनको शोज़ मिलने बंद हो गए, खाने पीने के लाले पड़ गए, उसके बाद से उनकी संगत जो है, बस यहाँ वाला जो पोर्शन था ना उसकी स्टोरी का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा टच कर गया। और हम सभी लोगों को, जितने भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी एज के हो, चाहे वो टीन एज के हो, चाहे अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं आपकी एज कुछ भी हो, इससे यही चीज़ सीखने को मिलती है कि यार अगर कोई दोस्त तुम्हें गलत रास्ते पर लेके जा रहा है और तुमको समझ में आ गया, प्लीज़ यार कम बैक टू योर होम, प्लीज़ अपने आप को वापस लेकर आओ और उस जगह पे वापस लेकर आओ जो आप रियलिटी में हो। उनको एक ऐसे दोस्तों का ग्रुप मिल गया जो कि उनको लेकर के ड्रग्स की तरफ धकेल दिया, उन्होंने ड्रग्स की आदत लगा ली। और जब उन्होंने इंडियन आइडल के परफॉर्मेंस देने की कोशिश की और वहाँ पे जो उन्होंने गाया, यकीन मानो, वो कहते हैं ना, नशा करने के बाद में गले की तार जल जाती है, इट्स जस्ट लाइक दैट। जो आवाज़ यूँ झटके में निकल जाती थी, वो आवाज़ निकालने में उनको काफ़ी एफर्ट करना पड़ा। एंड राइट नाउ आई एम ट्रूली फीलिंग लाइक अ हार्ट ब्रोकन पर्सन, क्योंकि मुझे पता है एक आर्टिस्ट जब एक बार टूट जाता है, टूटने के बाद, सब खत्म हो जाने के बाद, जब वो बोल देता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसे गाना, मतलब नहीं कर सकता, मतलब गाना ही नहीं कर पाऊंगा मैं। एक फनकार क्यों कर रहा है आज गाने से इनकार? इंडियन आइडल, एक देश एक आवाज़। और उसके बाद से 8 साल के बाद वो जब कमबैक कर रहा होता है, फिर सोचता है कि मैं फिर से वो जलवा क्रिएट कर पाऊँ, फिर से मैं वो बात लेकर के आ पाऊँ जो लोगों को पसंद आ पाए, वो लाने में असफल होता है ना यार, तो दिल बहुत ज़ोर का टूटता है। अज़मत हुसैन, वो देखा जाए तो हमसे एज में काफ़ी छोटा है, लेकिन आई एम ट्रूली अ डाई हार्ट फैन। जब भी मैं लिटिल चैंप्स में उनका गाना सुनता था तो यार काफ़ी अच्छा लगता था, और हर बार सोचता था एक बार यार फिर से हो जाए, एक बार फिर से सुन लो इसके गाने को। और मैं जाके यूट्यूब में देखा करता था। एंड राइट नाउ ही नीड्स अ सपोर्ट। और प्लीज़ यार, अगर वो इंडियन आइडल में आया तो प्लीज़ ऐसे आर्टिस्ट को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि अगर ये बंदा फिर से फेल हुआ और वापस यहाँ से गया तो शायद वो जहाँ से आया था वहीं पे वापस पहुँच जाएगा। हैट्स ऑफ टू द सलमान अली, कि सलमान अली जिनको उन्होंने हराया था लिटिल चैंप्स में और वो इंडियन आइडल में आकर के फिर से अपने आप को जिता पाए थे, उन्होंने इनको फिर से सपोर्ट किया कि तू कर सकता है। एंड पूरे इंडिया की तरफ से यार, पूरे जितने भी लोग हैं इंडिया की तरफ से, मुझे मालूम है कि इंडिया के लोग जो है आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा मानते हैं, आर्टिस्ट को प्यार देते हैं, आर्टिस्ट की कीमत को जानते हैं, तो पूरी इंडिया चाहती होगी यार कि अज़मत हुसैन जो है फिर से कमबैक करे और उनकी लाइफ जो है सही ट्रैक पे आए। बच्चे थे उस वक्त में, गलती हुई है, एंड वी नीड टू सपोर्ट हिम कि वो सही तरह से हमारे आर्टिस्ट वाले वर्ल्ड में वापस आए यार। और बाय द वे, इंडियन आइडल में इसके अलावा जितने भी लोग आए हैं, इट्स ट्रूली अ हार्ट विनर पर्सन। जितने भी लोग आए हैं अब तक, यानी फर्स्ट एपिसोड में जितने भी लोगों को दिखाया गया है, दिल जीत करके गए हैं वो यार। चाहे वो बंदा हो जो बूट पॉलिश करते हैं, या फिर वो जो जॉब करने वाली लड़की हो, उनकी भी आवाज़ एकदम जस्ट लाइक अ प्रो लगी है यार, कि हाँ कुछ तो मैंने सुना है यार। एंड द हैट्स ऑफ टू द मराठी इंडस्ट्री, प्लीज़ यार आप अपने इस अलमोल रतन को मत खोना, जिनका गाना सुन करके मैं हिल गया। सबसे पहले जैसे ही उन्होंने गाने का पहला सुर छुआ तो मुझे समझ में आया, भाई ये क्या कर रहा है, AR रहमान को टच कर रहा है भाई। किसी की औकात नहीं होती है AR रहमान के गाने को टच करना, और उन्होंने उस गाने को जैसे टच किया, फर्स्ट नोट, इट्स जस्ट लाइक के मैं कुछ अलग वर्जन सुन रहा हूँ दिल से जो गाना है ना बॉस, ना जाने मैंने हज़ारों बार ट्राई किया है लेकिन वो गाना मुझसे नहीं गाया जाता है। और इन्होंने जब गाना शुरू किया तो इट वॉज़ रॉकिंग, और उसके बाद जैसे उन्होंने गाने के साथ में खेलना शुरू किया, जिस तरह से उसमें आलाप लिया, सरगम लिया, जिस तरह से उसमें तान मारा ना बॉस, और उसमें एक हस्कीनेस वॉइस को ऐड कर दिया, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि मराठी इंडस्ट्री में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं और नेशनल अवार्ड भी विनर रह चुके हैं। एंड अगर वो यहाँ पे फेल होते तो सीरियसली काफ़ी गट्स चाहिए, कि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं, उसके बाद से किसी रियलिटी शो में जाओ और अनफॉर्चुनेटली अगर आप वहाँ पे जा कर के फेल हो जाते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपके करियर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन देर वॉज अ बिग गट्स ऑन दैट गाय कि वो बंदा आया और बोला कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, और देखते हैं क्या होता है। उसके बाद से जब गाना गाया यार, दिल जीत गया। सो इस सीज़न में यार इंडियन आइडल मैं तो मिस नहीं करने वाला हूँ, तो अगर इंडियन आइडल में जो भी अब तक नए सिंगर आएंगे और वो अपना परफॉर्मेंस देंगे, जो भी अच्छे सिंगिंग होगी जो आप मिस कर चुके होंगे, मैं यहाँ पे बताऊँगा उसके बारे में, और होगी एक छोटी सी डिस्कशन। एंड प्लीज़ यार
अजमत हुसैन, आई एम अ डाई हार्ट फैन एंड प्लीज़ ही नीड्स अ सपोर्ट। और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है, बड़े 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 सिंगर ने उनके सामने में सर झुकाया है। सो वी शुड हेल्प हिम, वी शुड हेल्प हिम टू कम बैक। सो दैट्स इट। तो चलो यार, यहीं पे करता हूँ अपना वीडियो का रैपअप और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें होगा रियलिटी शो, इंडियन आइडल या फिर बिग बॉस की अपडेट के साथ, या फिर मिलता हूँ फिल्म रिव्यू, वेब सीरीज रिव्यू या फिर किसी भी फनी या इंटरटेनिंग वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और टिल देन थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइन ओवर एंड हास्ता ला विस्ता। दोस्ती मेरा।